नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा प्रयास यह रहता है कि आप लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचाई जाए, उस जानकारी पर यदि आप थोड़ा सा भी अमल करते हैं तो उसके चमत्कारिक परिणाम आप अवश्य ही देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ जानकारियां तो ऐसी हैं जो कि अचंभित करने वाली है, किंतु साथ ही साथ विश्वसनीय है। यदि हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं तो 100% उसका परिणाम हम अवश्य ही देखते हैं, जो कि शुभ रहता है। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेके आए हैं, एक ऐसा लक्षण जो किसी व्यक्ति विशेष, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, में देखने में आता है, तो वह लक्षण युक्त व्यक्ति केतु प्रभावित माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही केतु ग्रह से संबंधित आराधना अवश्य करनी चाहिए, जो कि उसका भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ आसान तरीका, उनका रत्न धारण किया जा सकता है, कोई यंत्र बीज आदि भी धारण किया जा सकता है। तो वह लक्षण आखिर है क्या? ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटी सी एक ऐसी चीज बताई जाती है जो कि ग्रह से विशेष संबंधित होती है। यदि व्यक्ति का उससे टच होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भाई ये ही मेरा ब्रह्मास्त्र है, यही ग्रह है, या यही वो चीज है जो कि मेरी तकदीर बदल सकती है। अन्यथा व्यक्ति भागते रहता है जीवन पर्यंत, लेकिन मिल कुछ नहीं पाता। तो यह लक्षण भी एक वैसा ही लक्षण है। तो बात करते हैं जो बताया गया है। बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, उसे बिल्ली से विशेष लगाव है, वह बिल्ली को अपने पास रखता है, रखते हैं, पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति केतु प्रभावित माना जाता है। या इसके विपरीत, किसी व्यक्ति विशेष को बिल्ली अक्सर परेशान करती है, उसके घर पे आती है, किसी न किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा देती है, दूध आदि गिरा देती है या पी जाती है, या बार बार रास्ता काटती है, या उसके सम्मुख आके जोर जोर से रोती है या बोलती है, अक्सर उसको ऐसा देखने में आता है, या स्वप्न आदि कहीं ना कहीं उसका इससे ताल्लुक जैसा बना रहता है, तो माना जाता है ऐसा व्यक्ति भी केतु प्रभावित व्यक्ति है। केतु ग्रह उसको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, ऐसा लक्षण ये माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति विशेष को बिल्ली सकारात्मक या नकारात्मक रूप से किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रही है, तो उसे अवश्य ही जान लेना चाहिए। यदि उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कोई भी रुकावट, बाधा, कष्ट आदि बने हुए हैं जिनका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो यह केतु ग्रह से हो सकता है। तो उसे अवश्य ही केतु ग्रह जनित उपाय, जप, दान, पूजा पाठ, रत्न धारण आदि कर लेने चाहिए। सबसे सरल हमारे पास जो साधन है, माध्यम है, वह है रत्न धारण। तो इसको धारण कर हम देख सकते हैं। और देखिए, बताई गई जो जानकारी है ज्योतिष शास्त्र में, सिर्फ एक शब्द लिखा गया है कि यदि बिल्ली से किसी व्यक्ति को लगाव है, या व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से वह परेशान करती है, नुकसान पहुंचा देती है, तो व्यक्ति केतु ग्रह से प्रभावित है, और उसके जीवन में यदि रुकावटें आदि बनी हुई है तो वह केतु ग्रह से। तो व्यक्ति को केतु ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। यदि सकारात्मक रूप से व्यक्ति उसका लगाव है, उसको पाल रहा है या उसकी सेवा कर रहा है, तो केतु ग्रह ऑलरेडी कहीं ना कहीं शुभ फल अवश्य ही प्रदान करते हैं व्यक्ति के जीवन में। यदि वह बार बार आ रही है, व्यक्ति को नुकसान, रास्ता काट रही है, स्वप्न में आ रही है, या उसके सामने बोल रही है, या किसी न किसी तरीके से घर में नुकसान पहुंचा रही है, तो समझ लेना चाहिए कि केतु ग्रह हमें कुछ न कुछ आभास करा रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ न कुछ उपाय हम कर ले तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो हम बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि देखिए, कौवा, चील आदि हमारे सर पे पंख मार गया या ये कर गया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लक्षण, पूर्वाभास जो होते हैं, पूर्व में हमें दिखा जाते हैं शुभ व अशुभ। सिर्फ ये समझने की बात होती है। अब इसके समझने के तर्क होते हैं, कुछ तो जन्म पत्रिका के माध्यम से समझे जा सकते हैं, क्योंकि तो बहुत से लोग तो जो विद्वान आदमी होगा, भाई ऐसी घटना होगी तो अपने ग्रहों को दिखाएगा, भाई आखिर ऐसा कौन सा ग्रह मेरे सर पे मार के गया, आखिर क्या कह के गया है। तो इसी तरीके से जैसे कुत्ता है, बैल है, गाय है, गाय भी अपने लक्षण दिखाती है व्यक्ति को। तो हर जानवर का अपना अपना कहीं ना कहीं पे महत्व तो जुड़ा हुआ है नवग्रहों के साथ।
तो यहाँ पर कोई बिल्ली से संबंधित, और वैसे भी जो केतु ग्रह का जो रत्न है कैट आई बिल्ली की आंख की तरह या लहसुन की तरह हम कहते हैं। बिल्ली का ताल्लुक राहु ग्रह से भी माना गया है, राहु ग्रह का वाहन माना गया है, और हम राहु केतु ग्रह दोनों के का संबंध बिल्ली से माना गया है। हम अक्सर लोगों को बताते हैं कि यदि घर में दूध फट जाता है तो उसे अवश्य ही बिल्ली को पिला दीजिए, कहीं ना कहीं इसका चमत्कारिक परिणाम आपको अवश्य ही देखने में आएगा। और यदि दूध फटा हुआ है और इत्तपाकन बिल्ली अगल बगल आ गई और आप पी गई, तो समझ लीजिए कि झट से काम बनने वाला है, इतना चमत्कारी माना जाता है। तो आज जो हमने आपको ये बताया, जो जानकारी दी, यह एक लक्षण मात्र से है। यदि आपको अपने अगल बगल ये चीजें नजर आती हैं तो अवश्य ही आप लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं और चमत्कारिक परिणाम देख सकते हैं। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, लोग डरते हैं, लोग खाली भय करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत राहु के रत्न में, हम राहु के रत्न गोमेद में, नीलम में, डायमंड में, वहां जब अत्यंत खतरनाक हो जन्म कुंडली की स्थिति में, तो तब तो कोई भी रत्न हो रहता है, लेकिन सामान्यतः ये रत्न नुकसान नहीं देते। केतु को तो क्या रत्न, तो अक्षमात धन प्रदायक, कार्य बनाने वाला तक माना गया है। तो आप निसंकोच ऐसे लक्षणों में धारण कर सकते हैं और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, काफी लंबी भी हो गई है। तो जो नए लोग हैं उनसे आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, एपिसोड को लाइक कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।